तो दोस्तों कल है होली और आप इस होली पर कुछ ना कुछ स्पेशल करने का सोच रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी किसी भी ऑर्डिनरी फोटो को एक होली स्पेशल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी पिक्सआर्ट की हेल्प से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ए टैग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की इमेज बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ इस तरह की पिक्चर्स, जो कलरफुल पिक्चर्स होती है। ये सारी इमेजेस आपको गूगल इमेजेस पे मिल जाएगी और जो जो इमेजेस का मैं यूज़ लूँगा उन सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका लिंक। एक आपको इस तरह की HD वाइट फ़ोटो चाहिए और इस तरह के कलर्स, और आपको चाहिए एक अपनी खुद की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और साथ साथ क्लोजअप हो तो और भी अच्छा। तो अपनी इमेज को खोलेंगे हम पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट के अंदर सबसे पहला जो समर स्टेप होगा वो होगा इसे कटआउट करने का। तो चलिए मैं जल्दी से कटआउट कर देता हूँ उसको। ओके, तो मैंने कटआउट कर दिया है और कुछ जगह ज़्यादा सेलेक्ट हो गई तो उन्हें भी क्लियर कर देते और सही कर देते। ऑलराइट, तो ये हो गया। और ओके, सो और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स के अंदर आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन मिलेगा कलर्स का, उस पर क्लिक कर आपको जाना है ब्लैक एंड वाइट पे। मेक श्योर के आप जो ब्लैक एंड वाइट है वो ना ज़्यादा डार्क हो और ना ही ज़्यादा वाइट हो। ये जो जैसे मेरा भी प्रोपोर्शन है ना वाइट और ब्लैक का, कुछ उस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा वाइट ना ज़्यादा ब्लैक। मुझे लग रहा है 50 सही रहेगा। ओके, 50। ऑलराइट, सो अब हमें अपनी इमेज को क्रॉप करना होगा, ताकि मैंने कहा था क्लोजअप हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये इमेज क्लोजअप नहीं है इसलिए मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ। इतना सही रहेगा। ओके, और अब हम इसे सेव कर लेंगे। ओके, तो ये इमेज हो गई है सेव। और अब हमें ओपन करनी है वो वाइट कलर की इमेज, जो कि एक HD इमेज है और उसका रिजोल्यूशन है 1280x720। ऑलराइट, हियर इट इज़। और अब इसे ओपन करके हमें करेंगे ऐड फोटो में वो वाली फ़ोटो जो अभी हमें रिसेंटली एडिट करी थी। इसे हम साइड में लगा लेंगे कुछ इस तरह से बड़ा कर। ऑलराइट, सो पिक्चर अब हो गई है सेट। और अब मैं ऐड करने हैं कुछ कलर्स। उसके लिए वापस ऐड कलर में जाएंगे और मैं पहले सेलेक्ट करूँगा ये वाला कलर। ओके, ऐड। और अब हमें चूज़ करना है, जाना है ब्लेंड ऑप्शन में। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्क्रीन, उस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको कलर्स इस तरह से दिखने लगेंगे और आप इसे अपनी इमेज पर सेट कर सकते हैं बड़ा या छोटा कर। मुझे कुछ इस तरह से ये सही लग रहा है। ओके, ऑल राइट। ओके, ओपेसिटीज चेक कर लेते हैं। नहीं, हाई से ही रहेगा। और अब ज़्यादा सही है। ओके, तो इसे कर देते हैं टिक। और अब हम जाकर सेलेक्ट करेंगे होली का एक टेक्स्ट। इस तरह के होली के टेक्स्ट आपको गूगल इमेजेस पे मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ इसका टेढ़ा कर थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर लगा देंगे। और अब हमें ऐड करने हैं कुछ कलर्स, इस तरह से इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर, सही रहेगा। ओपेसिटी मेरे हिसाब से 80 के आसपास। ओके, इतनी सही है। ऑलराइट, तो मैं इस इमेज से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे लग रहा है ये इमेज काफ़ी अच्छी है। अगर आपको भी इस तरह की इमेजेस बनानी है तो मैं नीचे लिंक दे दिए है फाइल्स के, आप उन्हें ले लीजिए और हम कर देते हैं इस फाइल को सेव। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी ट्रिक और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे हैप्पी होली विश करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।